किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंगन की फसल अगर आपने कर रखी है तो बैंगन की जो फसल में, किसान मित्रों जो देख रहे हैं ये बैंगन का जो है खेत है और बैंगन के खेत में खड़ा हुआ हूँ और बैंगन के जो खेत में सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या दिखाई दे रही है वो सूखने वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यह जो पौधा है वो बैंगन का नीचे से जड़ से गलना है और ये गलने वाली दिक्कत है। ये पौधे की डंठी देख रहे हैं, यहाँ से जो पौधा है यहाँ से ऊपर से सूख रहा है, ऊपर हरा हुआ पौधा मालूम पड़ रहा है। ये सूखने वाली दिक्कत है, गंभीर जो दिक्कत है उसे किस दवा से कंट्रोल करें आज की वीडियो में यह बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, यह अगर आप जानकारी विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो हमारा एक वेबसाइट है एक किसान न्यूज, वहाँ पर आप जाकर गूगल पर सर्च करके आप जान सकते हैं कि जो हमारे बैंगन की फसल में जो गलन वाली दिक्कत है अच्छी तरीके से उसे किस दवा से कंट्रोल करें। बहुत सारी दवाओं का मेथड मैंने उस आर्टिकल में बताया है, आप गूगल पर सर्च करें एक किसान न्यूज .com तो आपको वह जो वेबसाइट है वहाँ पर हमारे जो बैंगन की फसल से जो संबंधित जो है कि हमारी जो डंडी गल रही है बैंगन में तो उसे किस तरह से कंट्रोल करें वो सारी दवाएं हमने उस आर्टिकल में बताई हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं बताने की कोशिश करता हूं ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए कि अगर ऐसे पौधे आपके बैंगन की फसल में है तो आपको क्या करना है। थाइपनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो 70% WP वाली आती है उसे लेना है और एक एंटीबायोटिक लेना है वेल्डामाइसिन 3% L, इसे आप 250 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों की जो इमेज है आप साइड में देख रहे हैं, यह दोनों दवाएं अगर आप जो ऐसी कंडीशन है अगर आपके बैंगन की फसल में जो पौधे आपके सूख रहे हैं, जड़ से सूख रहे हैं या आपके ऊपर से डंडी सूख रही है तो इन दोनों दवाओं का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो हमारा जो बैंगन की फसल में जो डंडी सूखने वाली दिक्कत है वो किसान मित्रों कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, अगर या और जानकारी जानना चाहते हैं बैंगन से संबंधित तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।